नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। तो हम लोगों ने पिछले टर्म पे ग्रुप 13 और 14 पी ब्लॉक का बात कर लिया था, और आज एक बहुत ही स्कोरिंग ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ग्रुप 15 जिनको बोलते हैं बच्चों। ग्रुप 15 जो है उसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन फैमिली में मैं कौन कौन से एलिमेंट के बारे में मेनली आपको पढ़ना है, आपको नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, आपको फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, बस इन्हीं दोनों के बारे में आपको जानकारी रखनी है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं का इम्पोर्टेंट है। तो इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, मैं नाइट्रोजन के बारे में कुछ बात बता देता हूँ बच्चों। नाइट्रोजन के बारे में एक सबसे बड़ी बात तो आप यही जानते हैं कि 78% बाई वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर में 78% बाई वॉल्यूम, मतलब अगर वॉल्यूम इसका मान लो 100 ml एयर अगर लोगे, ठीक है, अगर तुमने 100 ml लिया एयर, तो उसमें से 78 ml जो होगा उस एयर का पार्ट वो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, N2 होगा, ठीक है। बाकी जितना बच रहा है उसमें ऑक्सीजन मेनली है, 22% में मेनली ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ ट्रेस गैसेस हैं जैसे कि नोबल गैसेस हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि नाइट्रोजन का जो ऑर्स होते हैं, ठीक है, जनरली ये अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, ये नाइट्रेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ तुमको, ये तो एयर में बात हो गई कि नाइट्रोजन एयर में पाया जाता है, और नाइट्रेट किसको कहते हैं, NO3- को कहते हैं मुन्ना, ठीक है, NO3- को कहते हैं नाइट्रेट। तो एटमॉस्फेयर में तो ये बाई वॉल्यूम 78% पाया जाता है, और अर्थ क्रस्ट में ये नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। और जो नाइट्रेट होता है, सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो चीज़, कोई सॉल्ट अगर वाटर सॉल्युबल होगा मुन्ना, तो उसका माइंस नहीं बन पाता है, उसके माइंस नहीं बन पाते हैं। मतलब जनरली जब वो वाटर सॉल्युबल होता है तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, बारिश होगी वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, फिर वो ज़मीन के अंदर लीच आउट हो जाएगा, जिसको लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके ओर्स नहीं पाए जाते हैं, नाइट्रेट्स के ओर नहीं पाए जाते हैं। एक कंट्री है साउथ अमेरिका, जिसको हम लोग लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, उस कंट्री का नाम है चिली, जिसको कुछ लोग चाइल बोलते हैं, कुछ लोग चिली बोलते हैं। चिली में नाइट्रेट के ओर्स पाए जाते हैं, ठीक है, मेनली NaNO3, इसको बोलते हैं चिली सॉल्ट पैटर, ठीक है। तो मेनली नाइट्रेट की ओर कहाँ पाया जाता है, नाइट्रेट की जल्दी और कहीं पाए नहीं जाते हैं ना, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन नाइट्रेट के ओर चिली में पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा वाइटिश और येलोइश टाइप का इसका डिपोजिशन होता है, जो कि अगर आप चिली का कोई भी इमेज देखेंगे, सैटेलाइट इमेज देखेंगे, तो उसमें आपको इजीली दिख जाएगा। अब कहोगे कि सर वाटर सॉल्युबल है तो है कैसे, तो जब भी बारिश होती है ना, जब भी ऊपर से आसमान में बारिश होती है, तो ये जो डिपोजिशन होता है ये बह बह के ज़मीन में जाता है। अब वहाँ पर इतना ज़्यादा डिपोजिशन था कि अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, तो इसीलिए वहाँ पर तुमको मिल जाता है देखने को, ठीक है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो बच्चों फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस मिनरल के फॉर्म, मिनरल जो फॉस्फोरस का मिनरल होता है एपेटाइट फैमिली, वो हमारे बोन्स में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो, कैल्शियम फॉस्फेट जितने भी फॉस्फेट मिनरल होते हैं वो मेनली हमारे, हमको कहाँ पाए जाते हैं, हमारे बोन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक और बात मैं तुमको बता दे रहा हूँ, फॉस्फोरस हमारे प्लांट्स और एनिमल का बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें फॉस्फोरस पाया जाता है,
हमारे जेनेटिक मटेरियल में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है मुन्ना। तो हमारा फॉस्फोरस बायोलॉजिकली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉस्फोरस का, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। चलो अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जान लो कि जो ग्रुप 15 है उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो ज़्यादातर इस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो पॉली एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉली एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि N2, ठीक है। अच्छा अब ये सब तो हम लोग जानते हैं, ऊपर से नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल होता है, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है मेटलॉइड होता है, और बिस्मत जो होता है वो मेटल होता है, ठीक है। तब देख लेते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ये हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। ये नॉन मेटल्स होते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये मेटलॉइड्स होते हैं, और बिस्मत जो होता है सबसे लास्ट एलिमेंट जो है इनका वो कैसा होता है, मेटालिक इन नेचर होता है। अब ये भी हम लोग जानते होंगे, ये अब हम लोग पिछले टर्म पे पढ़े हैं। अब देखो ग्रुप 15 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 5 होगा, +5, ठीक है, +5 -5। लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो +3 का स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है +3 की स्टेबिलिटी, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अरे दो वैलेंसी कम हो जाती है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बिस्मत का +3 जो होगा वो बिस्मत के +5 से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। अब देखो इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रुप 15 के ऑक्साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेनली दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, एक E2O3 बनाते हैं एंड E2O5, ठीक है। या तो पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं या ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। और एक और बात मैं बता देता हूँ, वो ऑक्साइड जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है, उनका एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो मोर एसिडिक होते हैं, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, वो मोर एसिडिक इन नेचर होते हैं। कौन ऑक्साइड, वो ऑक्साइड जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन्स, मतलब हैलोजन्स के लिए रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है, हैलोजन्स के लिए कैसे रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के ये लोग हैलाइड बनाते हैं, एक बनाते हैं बच्चों EX3 ट्राई हैलाइड और एक बनाते हैं पेंटा हैलाइड, ठीक है। अब एक बात बता देता हूँ, नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल तो एब्सेंट होता है, डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास एब्सेंट होता है। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नाइट्रोजन का होता है वो कुछ इस तरह होता है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तो कर नहीं सकता है, क्योंकि एक्साइट करके भेजेगा कहाँ, इसके पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं। तो नाइट्रोजन हमेशा कैसे हैलाइड बनाता है, ट्राई हैलाइड बनाता है, ठीक है। देखो आगे देखो, अगला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स की, इनके हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये जो इनके हैलाइड्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस, तो उसको बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि NF3 PF3 एंड PF5 डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस।
देखो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, जैसे मान लो एक्स और वाई है, इसकी रिएक्शन हम लोग वाटर से करा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके एक ग्रुप को निकाल दे और खुद उसकी जगह पे आके लग जाए, ठीक है। तो वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, लेकिन तुम्हारा जो NF3 होता है, तुम्हारा जो NF3 है, ठीक है, तुम्हारा PF3 और PF5 है, ये आयनिक कैरेक्टर इनका ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि इनकी आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोलिसिस को नहीं शो करते हैं, ये हाइड्रोलिसिस नहीं देते हैं। तो जो जो हाइड्रोलिसिस देते हैं, मैं हम चलिए उनका रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं NCl3 का, ठीक है, NCl3 की हाइड्रोलिसिस देखते हैं। जब NCl3 हाइड्रोलिसिस करता है तो ये HOCl और NH3 में टूट जाता है और यहाँ पे निकलती है कौन, नाइट्रोजन गैस। अब देखो, अगर मान लो ए बी, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो वाटर जो होता है, हम लोग जानते हैं वाटर दो मुहा होता है, दो मुहा साफ होता है। वाटर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है OH माइनस वाला हिस्सा और एक होता है H प्लस वाला। तो जिससे हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं उसमें भी अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, तो मान लो B पे निगेटिव है और A पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो A पे पॉजिटिव B पे निगेटिव, वाटर में OH पे निगेटिव और H पे पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव को धर लेगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव को धर लेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या रिएक्शन होगी, AOH प्लस HB, H पे पॉजिटिव था तो इसने निगेटिव वाले पार्ट को धर लिया, OH पे निगेटिव था तो इसने A वाले पार्ट को धर लिया। अब देखो NCl3 के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसा होता है NCl3, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव होता है, और जब हम इसको पानी से रिएक्ट कराते हैं, ठीक, तो निगेटिव वाला पार्ट क्लोरीन को धरता है और हाइड्रोजन वाला पार्ट नाइट्रोजन को धरता है, तो जिसकी वजह से, जैसे नाइट्रोजन है, अब तीन, जैसे एच वाला पार्ट नाइट्रोजन के पास गया तो ये तो अमोनिया बन गया और तीन सी एल यहाँ से रिलीज हो गए, और वाटर भी हम लोग लिए हैं, जो वाटर हम लोगों को उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वाटर हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल इस तरह लेना पड़ेगा कि हमको तीन ओ एच माइनस मिले। अब ये तीन ओ एच माइनस तीन सी एल के साथ मिलके क्या बना लेगा, एच ओ सी एल बना लेगा। तो तुमको वैलेंस करना नहीं याद रखना है, बस केवल याद रखना है NCl3 के केस में जब वाटर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमोनिया बनता है, बाकी केस में ये ट्रेंड नहीं होता है, क्योंकि बाकी केस में जितने हैलाइड्स होते हैं उसमें हैलोजन जो होता है वो सेंट्रल मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है, वो सेंट्रल मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आगे देखो, जैसे कि ये है PCl3, PCl3 की रिएक्शन जब हम लोग H2O के साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, अब PCl3 में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो अब वाटर का नेगेटिव पार्ट जो होगा OH माइनस वाला, वो फास्फोरस को धरेगा और H वाला पार्ट क्लोरीन को धरेगा, तो यहाँ पे बन जाता है H3PO3 प्लस HCl। अरे भाई OH OH गया तो देखो, लगा ना, P पे एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH, तो H3 वन टू थ्री P O3 H3PO3 प्लस HCl। बहुत सिंपल है बच्चों, इसको कुछ याद नहीं करना है, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, बस इस केस में तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि AsCl3 और जब वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में हमको ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, और साथ में हमको क्या मिलता है, HCl मिलता है। तो बस इस केस में थोड़ा सा इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इस केस में तुमको एसिड नहीं मिलेगा, इस केस में तुमको ऑक्साइड मिलेगा जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होगा, ठीक, समझ गए। अब बात करते हैं बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ हैलाइड, बेसिक नेचर ऑफ हैलाइड। अच्छा देखो, क्यों, कैसे बेसिक, जैसे नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन Cl3 के साथ बॉन्ड बने NCl3, ठीक है। अब ये तुम्हारा NCl3 हो गया, ऐसे तुम्हारा NF3 हो गया, ऐसे तुम्हारा NBr3 हो गया, ऐसे तुम्हारा Ni3 हो गया, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा PF3 हो गया, ASF3 हो गया, SbF3 हो गया और BrF3 हो गया, ठीक। देखो यहाँ पे सबके पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर डोनर्स जो होते हैं, जो लोन पेयर डोनर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर डोनर्स को हम लोग बोलते हैं लुईस बेस, लुईस साहब का बेस होता है ये। तो जो जितना इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, वो उतना अच्छा बेस होगा। आप देखो यहाँ पे F जुड़ा है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे अपना लोन पेयर इजिली नहीं देगा। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे प्रभाव कम होता है, तो लोन पेयर नाइट्रोजन ईजिली दे देता है, ठीक है। तो बेसिक नेचर यहाँ पे क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, चूँकि साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, अब लोन पेयर उनके ऊपर बोझ होता है जिनकी साइज कम होता है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे तुम्हारा लोन पेयर को रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अपने ऊपर लोन पेयर नहीं रख पाता है, क्योंकि छोटा साइज होता है तो ईजिली देना चाहता है, लेकिन फॉस्फोरस रख सकता है, तो फॉस्फोरस उतने अच्छे से डोनेट करने के मूड में नहीं होता अपना लोन पेयर, ठीक है, तो वो अपने ऊपर रखता है। लेकिन अगर इधर देखें नाइट्रोजन के हैलाइड्स में बात करें, तो नाइट्रोजन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखने में क्षमता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई उससे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लग गया जो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तो जब अपना बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो थोड़ा प्रेशर कम होता है तो रख लेता है अपने ऊपर, तो वही केस होता है यहाँ पे। यहाँ पे फ्लोरीन खींचता है इलेक्ट्रॉन इससे, ठीक है, देखो एन बता देता हूँ उसमें। अब जैसे दोनों पे लोन पेयर, अब फ्लो ये नहीं रख पाता है, नाइट्रोजन छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को नहीं रख पाता है, लेकिन जब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कहता है चलो इधर कम हो गया इसको रख लेता हूँ, लेकिन यहाँ उतने अच्छे से नहीं खींच पाता, बल्कि नाइट्रोजन ही खींचता है, ठीक है। तो वहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर कम नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये जो थे इसके बॉन्ड वाले, वो तो क्लोरीन अपनी तरफ खींच के नाइट्रोजन का भार हल्का नहीं कर पाया, तो ये वाला इसका बोझ और पता चलता है, जिसकी वजह से ये और इजीली डोनेट करना चाहता है। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। चलो अब मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ डाई नाइट्रोजन का, प्रिपरेशन ऑफ N2, प्रिपरेशन ऑफ N2 डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन के कुछ प्रिपरेशन हैं जो मैं एक तुमको बता देता हूँ, कि जब NH4Cl के सोल्यूशन को हम NaNO2 के साथ ट्रीट करते हैं, तब उस केस में हमको नाइट्रोजन मिलता है और वाटर मिलता है लिक्विड फॉर्म में, और NaCl मिलता है इसी वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जब बेरियम या, ठीक है, जब बेरियम या सोडियम एजाइड को, बेरियम या सोडियम एजाइड को हीट करते हैं, को हीट करते हैं, जब बेरियम या सोडियम एजाइड को हीट करते हैं, तो उस केस में हमको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिलता है। जानते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन भी निकला, वाटर भी निकला, ये भी निकला। अब जब इसको हीट करते हैं बेरियम एजाइड को, तो यहाँ पे बेरियम मेटल मिलता है सॉलिड फॉर्म में, और सिर्फ एक ही गैस मिलती है, एक ही फ्लूइड मिलता है, जो है डाई नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन मिलता है वो प्योर होता है। तो प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैसे हमको मिल सकता है, प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बेरियम या सोडियम एजाइड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर दी। अब हम लोग चलिए एक इम्पॉर्टेंट इसके कंपाउंड के बारे में बात करते हैं बच्चों, जिसका नाम है अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया की मैं एक तुमको प्रिपरेशन बताऊंगा, ठीक। अमोनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन देखो, सबसे पहली चीज़ तो अमोनिया की जो प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल स्केल पर होती है उसके बारे में बता देता हूँ, कि यहाँ पर नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराया जाता है, और उससे हमें क्या मिलता है, 2NH3G।
और इस रिएक्शन का डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो -46.1 किलो जूल मोल इनवर्स होता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। देखो ली चैटलियास प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है, ली चैटलियास प्रिंसिपल कहता है कि देखो अब क्या होता है कि जब भी ली चैटलियास प्रिंसिपल कहता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है तो इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद अगर हम टेम्परेचर के अलावा कोई ऐसी चीज बढ़ाते हैं ना तो रिएक्शन खुद को ऐसे एडजस्ट करती है कि इक्विलिब्रियम पे असर ना पड़े। तो अगर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर किसकी वजह से आता है, प्रेशर आता है गैसेस की वजह से। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ली चैटलियास प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाती है जिधर कम गैसेस होती हैं। तो रिएक्टेंट साइड में दो गैसेस हैं और प्रोडक्ट साइड में एक गैस है। तो जब अगर प्रेशर बढ़ा दोगे रिएक्शन मीडियम का तो ये रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ गैसेस कम है, यानी कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कैसे, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस। ये हैबर साहब का टेस्ट किया हुआ प्रोसेस था, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं हैबर्स प्रोसेस, ठीक। चलो अच्छा मैं तुमको एक टेस्ट बता रहा हूँ, टेस्ट फॉर अमोनिया, ये शायद ही तुम लोगों ने कभी पढ़ा हो, बहुत कम लोग पढ़े होंगे, नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट, नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। हम लोग क्या करते हैं K2HgI4, ठीक है, कि रिएक्शन हम लोग अमोनिया, अगर अमोनिया को टेस्ट करना है बेसिक मीडियम में, अमोनिया को टेस्ट करना है तो हमको K2HgI4 के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। इसको इस ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको मिलन्स बेस बोलते हैं और उसके साथ आई माइनस है, तो आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस हमको मिलता है और इसका जो कलर होता है मुन्ना वो ब्राउन कलर होता है। तो अगर हम लोग नेस्लर रिएजेंट के साथ अमोनिया को टेस्ट करते हैं तो हमको कैसा कलर मिलता है, ब्राउन कलर मिलता है और ये कन्फर्म हो जाता है कि क्या मौजूद है, यहाँ पर अमोनिया मौजूद है, ठीक है। चलो अच्छा एक और चीज़ है, NCERT में ये चीज़ लिखी हुई है, आप लोग उसको बस देख लीजिएगा जाके, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले इसको जरूर। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का एक चार्ट है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे उनका फॉर्मूला दिया हुआ है, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया हुआ है। अब उसमें कुछ ऐसी समझाने वाली चीज़ नहीं है तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का जो चार्ट है वो आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ज़रूर मेमोराइज़ करके जाएं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी इम्पॉर्टेंस है आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, अब हम लोग एक और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखो नाइट्रिक एसिड का जो प्रिपरेशन होता है, ठीक है, ये प्रिपरेशन जो है जो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा, वो प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्वाल्ड प्रोसेस, ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस। अब अगर कोई तुमसे पूछे बेसिकली बताओ ऑस्वाल्ड प्रोसेस है क्या, ठीक है, तो ये है अमोनिया का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, मतलब कैटलिस्ट के मदद से ऑक्सीडेशन बाय
एटमॉस्फेरिक O2, मतलब ये अगर कोई पूछे बेसिकली ऑसवाल्ड प्रोसेस कौन सी रिएक्शन है, तो उनसे बोला जब हम लोग अमोनिया का एटमॉस्फेयर वाले ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसवाल्ड्स का प्रोसेस। ठीक है, अब देखो ऑसवाल्ड के प्रोसेस की रिएक्शन जो जो इन्वॉल्व होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अब देखो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होगा हम लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4NH3 मतलब अमोनिया लेते हैं, गैसियस फॉर्म में होगा ऑब्वियसली, इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, या तो प्लैटिनम या तो रोडियम गॉस पे। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 500 केल्विन के आसपास। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 500 केल्विन के आसपास। ठीक, सॉरी, जनरली 300 से 500 केल्विन लेते हैं। ठीक है, अब उसको 9 बार प्रेशर पे रखते हैं हम, तो हमको पहले स्टेप पे क्या मिलता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसके बाद वही नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, तो वही नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो एयर जो वहाँ पे और एयर मौजूद होती है उसके साथ फिर रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। ठीक है, 2 मोल, अगर 1 मोल लेंगे तो उससे 2 NO2 बनाता है। ठीक है, उसके बाद वो जो NO2 बना है वो NO2 को वाटर में डिसॉल्व कर किया जाता है, तो उससे हमको क्या मिलता है, HNO3 मिलता है, और फिर से हमको नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक बात ये है कि इस प्रोसेस से हमको 68% बायोमास मिलता है, 68% बायोमास। ठीक है, इसको डिस्टिल जब करते हैं, सबसे पहले ये जो हमको HNO3 मिलता है इसको जब डिस्टिल किया जाता है तो हमको 68% मिल जाता है। ठीक है, फिर इसको 98% तक पहुंचाने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर देते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 की एक खास बात बता देता हूँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो वाटर निकाल देता है, तो 98% के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4, और डिस्टिलेशन जब करते हैं मतलब ये जब रिएक्शन तैयार हुआ इसको जब डिस्टिलेशन करके अलग करते हैं तो उससे हमको 68% वेट मिल जाता है, लेकिन अगर और हमको प्योर चाहिए तो उसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर देते हैं, तो वो पानी को क्या कर देता है, उड़ा देता है। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं HNO3 के बारे में कुछ बातें। HNO3 की एक बात याद रखना बच्चों, ऑर्गेनिक में भी हेल्प मिलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये अटैक करता है, अटैक ऑन मेटल्स, ये मेटल्स को अटैक करके डिसॉल्व कर देता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम और गोल्ड को छोड़कर ये सारे मेटल को क्या करता है, डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। देखो एक इक्वेशन इसमें देख लेते हैं, कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, देखो अब कॉपर जो था वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसको इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और जब हम इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लेते हैं HNO3 को, उस केस में भी हमको नाइट्रेट ही मिलता है, लेकिन उस केस में हमको NO नहीं मिलता है, उस केस में हमको NO2 मिलता है। यहाँ पे देखो कॉपर जो था वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ठीक है, यहाँ पे जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, तो यहाँ पे कॉपर को HNO3 कॉपर जीरो से +2 में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, इसीलिए जो कॉपर होता है, जो तुम्हारा HNO3 होता है बच्चा, वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे का अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी तक इतना नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ा, अगले टर्म पे आप लोग मिलिए तो इसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि धीरे धीरे ही हम लोग चलेंगे बच्चों, ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर होता रहे, और इस अगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक इसको नोट्स को रिवाइज करिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।